जी हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। लेकर के आ चुका हूँ मैं फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कुछ इस टाइप का रील काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चलता है। तो दोस्तों नए हो गए चैनल पे तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड वहाँ से बताएंगे आप लोग को एडिटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग को कुछ ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे पिक्सेल ऐप का जरूरत पड़ने वाला है एंड इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से पिक्सेल ऐप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोग को न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है एंड आप लोग जैसे ही न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देते हो ऊपर में आप लोग को देख सकते हो थ्री डॉट में क्लिक करना है। एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो इमेज साइज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे 1280 को इरेज कर देना है। एंड 1280 को इरेज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को लिखना है यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 16 आप लोग को लिखना है। एंड लिखने के बाद आप लोग को ओके करना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देता है। एंड यहाँ पे दोस्तों अब आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे दिखाई देता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, इतना डबल टैप करके अंदर आ जाना है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को सैरी वाला कॉड्स यहाँ पे आप लोग को गूगल पे इजीली बहुत सारा मिल जाता है एंड वहाँ से आप लोग चाहो तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देता है। एंड अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में ए वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है आप लोग को। एंड ए वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो एलिगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है आप लोग को, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो सेंटर वाला ऑप्शन है इसमें आप लोग को क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोग को बाय डिफॉल्ट आप लोग को एक फॉन्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो नीचे में आप लोग को स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो नेवीज वाला फॉन्ट यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही स्टेप से हमारा फॉन्ट भी अप्लाई हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग चाहो तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे आ जाना है आप लोग को एंड यहाँ पे ये जो दोनों बटन आप लोग इस पर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है। एंड अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को साइज़ वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आप लोग चाहो तो आप लोग इसका साइज़ को छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हो एंड आप लोग को 50 के आसपास आप लोग को कर लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन में फिर से आप लोग को क्लिक करना है एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। एंड यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे आप लोग को एक इमोजी को ऐड कर लेना है एंड इमोजी ऐड हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे इमोजी पे आप लोग को एक फॉन्ट को अप्लाई करना है। तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है आप लोग को एंड आप लोग जैसे ही फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हो यहाँ पे आप लोग को माई फॉन्ट्स में आ जाना है आप लोग को। एंड यहाँ पे आप लोग को ऊपर में यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सर्च करना है आप लोग को एंड यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है iOS करके आप लोग को सर्च करना है एंड ये वाला फॉन्ट आ जाएगा। एंड सबसे पहले तो ये iOS वाला फॉन्ट आप लोग को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एंड तभी आप लोग को सर्च करने पे आएगा एंड अप्लाई कर लेना है आप लोग को। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इमोजी का साइज़ आप लोग को 50 के आसपास आप लोग को रख लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग को एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग का स्पेसिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे नीचे में देख सकते हो आप लोग का स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड स्पेसिंग को 5 के आसपास आप लोग को रख लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट। तो दोस्तों अब आप लोग को सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है ताकि हमारा PNG में टेक्स्ट सेव हो। एंड दोस्तों अब आप लोग को ऊपर में सेव वाले बटन में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सेव एज इमेज वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो PNG आप लोग को दिखाई देगा, PNG को PNG में रहने देना है एंड कस्टम में आके आप लोगों को अल्ट्रा कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो PNG अल्ट्रा एंड यहाँ पे आप लोग को सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद दोस्तों अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि आप लोग को फोटो कहाँ से डाउनलोड करना है एंड बैकग्राउंड वाला फोटो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है एंड आप लोग को एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा एंड आप लोग जैसे ही वेबसाइट पे आ जाते हो अंदर एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे फोटो आप लोग को मिल जाता है एंड आप लोग चाहो तो यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे बैकग्राउंड वाला फोटो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग को यहाँ से आप लोग को कोई भी फोटो को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है एंड आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो अब आप लोग को बैक आ जाना है यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को बैक आ जाना है एंड आप लोग को वीडियो क्रिएट करने के लिए इलाइट मोशन को जरूरत पड़ने वाला है, आप लोग को इलाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना है एंड माई प्रोजेक्ट में आ जाना है आप लोग को। एंड जैसे ही माई प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप्स आप लोग को एक XML दिखाई देता है एंड ये वाला XML हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा एंड इंपोर्ट कर लेना है आप लोग को यहाँ पे इलाइट मोशन में। एंड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप से XML आप लोग को दिखाई देने वाला है एंड सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड आप लोग को मीडिया में आ जाना है यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग जैसे ही मीडिया पे आ जाते हो अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड वाला फोटो यहाँ पे आप लोग जो भी डाउनलोड किया हो आप लोग को ऐड करना है यहाँ पे एंड इसका लेंथ को आप लोग को बढ़ा लेना है। एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो इसका लेंथ आप लोग को वीडियो का एंड तक यहाँ पे बढ़ जाता है।
तो दोस्तों अब आप लोग को थ्री डॉट में क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता है फिल टू कंपोजिशन एरिया, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ पे पूरे फिल हो जाएगा, आप लोगों का फोटो यहाँ पे पूरे एरिया में फिल हो जाएगा। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड आप लोग जैसे ही इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हो आप लोग को एड इफेक्ट में आप लोग को क्लिक करना है एंड ऊपर में आप लोग को सर्च करना है डायरेक्शनल ब्लर करके आप लोग को सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आप लोग का डायरेक्शनल ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह आप लोगों को करना है तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। आप लोगों को सबसे पहले 00 सेकंड में रहना है एंड यहाँ पे प्लस का की में आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में एरो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देख सकते हो 1.10 सेकंड के आसपास आप लोग आ जाना है एंड फिर से आप लोग को यहाँ पे प्लस का की में आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो 0.15 सेकंड के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को यहाँ पे इसको स्लाइड करके आप लोग को यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आप लोग को करना है एंड यहाँ पे 0.0 हो जाएगा एंड आप लोग को 0.0 में रखना है एंड आप लोग को अब बैक आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा डायरेक्शनल ब्लर वाला इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग चुका है। तो दोस्तों अब आप लोग को फिर से प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे मीडिया में क्लिक करना है आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को एक शेप आप लोग को ले लेना है, यहाँ पे शेप आप लोग रेक्टेंगल कोई सा भी ले सकते हो एंड यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिल टू कंपोजिशन एरिया में आप लोग को क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लेंथ को यहाँ पे बढ़ा लेना है आप लोग को इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर का बात करें तो कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड इसका कलर को आप लोग को यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे आप लोग को कलर को ब्लैक रखना है एंड आप लोग को बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एरो में क्लिक करके आप लोग को बैक आ जाना है एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड इसको ओपेसिटी को 50 के आसपास आप लोग को रखना है एंड आप लोग को बैक आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। अब आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड फिर से मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड आप लोग जैसे ही मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाते हो तो ये जो हम लोग अभी टेक्स्ट क्रिएट किए हैं पिक्सेल ऐप से इसको आप लोग को ऐड करना है यहाँ पे एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ को आप लोग को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना है इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके। लेंथ आप लोग जैसे ही इंक्रीज़ कर लेते हो अब यहाँ पे नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड इसको एडजस्ट करके ऊपर के साइड में लेके आ जाना है कुछ इस टाइप से देख सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुका है टेक्स्ट। अब आप लोग को बैक आ जाना है एंड नीचे में देख सकते हो टेक्स्ट इफेक्ट लेयर आप लोग को दिखाई देता है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे इफेक्ट में आ जाना है आप लोग को एंड यहाँ पे आप लोग को थ्री डॉट यहाँ पे नीचे में देखने को मिलता है, इसमें आप लोग को क्लिक करना है एंड अब आप लोग को कॉपी इफेक्ट में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे हमारा सारा इफेक्ट कॉपी हो चुका है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट लेयर वाला यहाँ पे जो लेयर है इसको आप लोग को डिलीट कर देना है ऊपर में क्लिक करके एंड इसका काम हमारा हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वाला लेयर है इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड इफेक्ट में आ जाना है आप लोग को एंड आप लोग जैसे ही इफेक्ट में आ जाते हो थ्री डॉट यहाँ पे नीचे में देखने को मिलता है आप लोग को, इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड पेस्ट इफेक्ट में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जैसे ही पेस्ट इफेक्ट में क्लिक करते हो तो हमारा सारा इफेक्ट पेस्ट हो चुका है एंड हमारा फुल वीडियो बनके तैयार हो चुका है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे साउंड वीडियो को यूज़ कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम से भी म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो सेटिंग के बगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक्सपोर्ट वाला यहाँ पे सेव वाला बटन आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कुछ इसी टाइप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।